नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर हिमाचल से। आनी हिमाचल किसान सभा आनी इकाई ने आनी बाजार में मनरेगा को लेकर रैली निकाली गई। रैली के बाद मनरेगा को लेकर खंड विकास कार्यालय आनी का घेराव किया गया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों की भागीदारी रही। मनरेगा को लेकर काफी नारेबाजी भी की गई। देखिए हमारे संवाददाता चमन शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल किसान सभा जिंदो बोल। मनरेगा में 120 दिन का रोजगार देना होगा। मनरेगा में 120 दिन का रोजगार देना होगा। मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी देनी होगी। हल्ला बोल, हल्ला। 120 दिन रोजगार को लेकर हल्ला बोल। मनरेगा में 120 दिन के काम को लेकर हल्ला बोल। हिमाचल किसान सभा जिंदो बोल। के बाद उस समय जो है लोगों को जो हर व्यक्ति को हर परिवार को 7 दिन बाढ़ के जिला परिषद लोकेंद्र कुमार जी और इसके साथ किसान और किसानों के बीच में काम करने वाले साथी विजय जी, टिकम जी, हेमरा जी, मिलाप जी और इस समर्थन के लिए तो आप सबका जो यहां पर शामिल हुए है, जो यहां पर भारी मात्रा में महिलाएं शामिल हुई है, आप सभी का धन्यवाद। हम जो है यहाँ पर जो है इस बात को लेकर आए, न्यूनतम मजदूरी देनी होगी। बोल किसाना हल्ला बोल, बोल किसाना हल्ला बोल। आज यानी ब्लॉक के अंदर जो हमारा कार्यालय पीडीओ कार्यालय है, यहां पर क्यों आए हैं ये विभाग समझ गए। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज जो हिमाचल किसान सभा के बैनर तले ये जो पूरी करो मेरे को न्यूनतम वेतन देना होगा, मजदूरी देनी होगी। बोल मिलाओ हल्ला बोल, हक को लेकर हल्ला बोल। 20 के
देना होगा, 120 दिन का रोजगार देना होगा, ये पंचायत में सीट देनी होगी, रोजगार को लेकर हल्ला बोल, न्यूनतम मजदूरी को लेकर हल्ला बोल, न्यूनतम मजदूरी को लेकर हल्ला बोल, न्यूनतम मजदूरी को लेकर हल्ला बोल, 120 दिन के रोजगार को लेकर हल्ला बोल, मांग तो पूरी करनी होगी, मांग तो पूरी करनी होगी, मनरेगा में सीट देनी होगी। पर जिले ने राजू है कि आपको रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, वो आपको उपलब्ध हो जाएगा, रसीदे आपको दे दी जाएगी और जो भी आपकी मांग है वो पूरी कर दी जाएगी। आप शांतिपूर्वक पंचायतों में यहाँ पर कभी भी अपनी मांग लेके आ सकते हैं और किसी भी आदमी को कोई भी किसी तरह का मतलब काम जो है यहाँ पर सभी का काम जो है उनको कार्य मतलब स्वीकृत किए जाएंगे और उनको जिन पंचायतों में काम नहीं हो रहे हैं कृपया अपनी जो मांग है वो आप पंचायत में दें ताकि वहाँ से जो डिमांड आती है ब्लॉक के लिए वहाँ से यहाँ से कार्य उस हिसाब से आप सभी को स्वीकृत किए जाएंगे और सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यही मेरा आप लोगों से आग्रह है और जो अन्य जो कमियां हैं उनको भी दूर किया जाएगा। चाहते हैं कि जो हमारा मनरेगा के तहत जो काम मिलता है उसको दिया जाए, उसको 100 दिन जो है वो मिलना चाहिए और हमें इस बात का एहसास है, हम जानते हैं इस बात को, जो विभाग के अंदर जो ब्लॉक के अंदर जो है जो कर्मचारी हैं, जैसे मेरे से पहले कुछ लोगों ने बात रखी कि यहाँ पर जो है वो GRS नहीं है, टेक्निकल असिस्टेंट नहीं है, वीडियो साहब नहीं है तथा दूसरे साथी वो नहीं है, इन तमाम लोगों के लिए जो है ये इसके लिए कौन जिम्मेवार है वो भी यहाँ पे लोगों ने बात रखी है कि कौन कौन लोग जो है इसके लिए जिम्मेवार हैं, जिसकी वजह से हमारा इलाके के अंदर विकास नहीं हो रहा है और इलाके के अंदर जो हमको 100 दिन की मजदूरी मिलनी थी वो नहीं मिल रही है। इसलिए हम एक तरफ जो है इस बात को कह रहे हैं कि 100 दिन का काम दो और हमारे इलाके का विकास करो और दूसरी तरफ जो विभाग के साथ जो हमारी जो बात सामने आ रही है, जो नाराजगी पैदा हो रही है वहाँ पर हमको ये लग रहा है कि जो विभाग हमको इस बात को कह के टाल देते हैं कि ये सिक्योर हो गया है, ये सिक्योर में फंसे हुए हैं, अब सिक्योर नहीं हो रहा, कभी बोलते हैं जियो टैगिंग नहीं हो रही है, कभी कहते हैं कि ये काम जो है कई तरह से जो टाल मटोल करके जो हमारे तक नहीं पहुंच रहा है, जो काम नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं चलेगी। जो हिमाचल प्रदेश के अंदर देश के अंदर जो ब्लॉक स्तर तक जो है, जिला स्तर तक जो है, जो गांव में जो है आज जो रोजगार नहीं दे रहे हैं, रोजगार के नाम पर जो भानेबाजी हो रही है, ढीला रवैया हो रहा है, रोजगार के नाम पर जो ठगी हो रही है, लूट हो रही है, घसूट हो रही है और लोगों को रोजगार देने के नाम पर जो है ठगा जा रहा है, उसको लेकर आज यहाँ जो है वीडियो कार्यालय के बाहर धरने देने आए हैं। ये धरना जो है एक सांकेतिक धरना है, ये जो है 2019-20 के जो सेल्फ का जो अभी जो है अंतिम चरण चला है इस चरण में है, लेकिन आने वाले समय के अंदर गांव के लोगों को जागरूक किया जाएगा, मनरेगा को लेकर अवेयर किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से लोगों को 120 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा ये शर्मनाक बात है। सरकार कहती है हमने लोगों को रोजगार दिया है, हमने लोगों को जो है बहुत सारा रोजगार दिया है, लेकिन हकीकत में देखिए, जमीनी स्तर पर देखिए कि रोजगार जो है किस तरह से दिया जा रहा है,
कितने दिन का रोजगार दिया जा रहा है? अभी हम पिछले दिनों आए यहाँ ब्लॉक के अंदर आए, हमने कहा सीट चाहिए या 15 दिन के अंदर रोजगार दो और सीट दो, रोजगार नहीं दे सकते तो हमें जो है बता दो। लेकिन दुर्भाग्य हम सीधा सीधा नाम निकालना चाहते हैं, ऐसे नुमाइंदे हमारे बीडीसी जो कोयला और जो है बुछार पंचायत का बीडीसी गोपाल जी है वो क्या कहते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। अरे हमने कहा कौन सा तरीका, अरे जो हमने कहा जो अधिनियम 2005 का जो कानून है उस कानून का तरीका है ये समझना है। और क्या वार्निंग देता है कि अगर तुमने सीट ली हम जो आपको जो है से खादवी के लिए निकालेंगे। 100 दिन का हमें रोजगार चाहिए, हम मेमोरेंडम देंगे, हम जो यहाँ पे कार्यकारी जो सुप्रिंटेंडेंट साहब है उनसे बातचीत करेंगे, हमारा जो काम है जो 14 वित्त आयोग का पैसा है उसको जल्द से जल्द खर्च किया जाए। और जो जो लोग आज यहाँ पे रसीद लेके या अपना जो 6 नंबर फॉर्म लेके यहाँ पे आए हैं उनकी रसीदों को यहाँ पे काटा जाए ताकि उनको 14 दिन के भीतर भीतर जो है मनरेगा का कार्य मिले। तो आप तमाम लोग यहाँ पे अगर आप इस धूप के अंदर और घर से जो महिला यहाँ पे आई है आप जानते हैं हमारे जो कर्मचारी लोग भी वो स्थानीय लोग हैं यही जानते हैं क्या हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं और क्या गांव के अंदर दिक्कतें हैं। अभी यहाँ से महिलाओं को जाना है, उसके बाद गाय को भी दूना है, पानी भी देना है, ये तमाम दिक्कतें हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे आए क्योंकि इनको दर्द है, इन्हें काम नहीं मिल रहा है। हम इस कार्य को लेके इस अपनी जनता की आवाज को लेके हम बार बार एप्लीकेशन दे रहे थे, पर जैसे साथी पदम प्रभाकर जी ने कहा है बहुत सारी जगह पे, मैं सब जगह नहीं बोलूंगा पर बहुत सारी जगह पे जो है हमारे GRS है वो जो नीचे हमारे जो वर्कर है उनको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो लगातार ये बोल रहे हैं कि हम 4 दिन के बाद आएंगे, आज हमारा ऑडिट है, आज हमारा जियो टैग करने को है, जियो टैग के नाम पे जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये जो 2-4 दिन के अंदर है आज जो हम यहाँ पे बात रखने आए हैं, हमने कहा है जो रिक्त पड़े पद हैं हम ये भी बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारी 32 पंचायतें हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद 9 GRS हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, 32 पंचायतों के लिए 9 GRS काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी हमारी जो सरकार की हालात खस्ता है। हमारे जो नुमाइंदे हैं जिनको हमने चुन के भेजा है विधानसभा के अंदर वो ये बात नहीं रख पा रहे हैं कि हमें GRS चाहिए, हमें जो है सेक्रेटरी चाहिए, वो ये बात नहीं रख पा रहे हैं। वो जबरदस्ती लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं और 4-5 जगह पे एक जिम्मेवारी दे रहे हैं। साथियों जब यहाँ पे GRS होंगे, जब यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी होंगे, जब यहाँ पे टेक्निकल होंगे, तब आपका जो है आपका जियो टैग भी होगा, आपका मनरेगा की एप्लीकेशन भी आएगी। ये जन आंदोलन हम लोगों को इससे और आगे ले जाना पड़ेगा।